इंडियन स्टॉक मार्केट में आज तक का सबसे बड़ा क्राइसिस आया है और इसी क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों की वेल्थ काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन इस बार का रीजन आपको पता क्या है? इस बार का रीजन है वर्ल्ड वॉर 3। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3। रशिया और यूक्रेन के बीच में आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो करंटली 450 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध की वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में या अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर कुछ असर पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर और इसी के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपको जानना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसके पीछे के रीजन क्या है तो इसके बारे में मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताया है, तो इंस्टाग्राम पर जरूर चेकआउट करना। नमस्कार, मैं विमल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर और इसी के साथ साथ अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा और आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कहाँ से अपने फंड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। देखो, जब कभी भी किसी भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है या कोई बड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है तो इस चीज का इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पर पड़ता है, पूरे ग्लोबल पर पड़ता है और सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या रेगुलर बेसिस पर स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट में जितने भी इंडाइसेस हैं, जितने भी कंपनीज के शेयर्स हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ इसके इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इम्पैक्ट आपको पता चल गया कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। और अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको लॉसेस से बचना है या अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को कम करना है तो आपको हमेशा SIP करनी चाहिए। और अगर आपको जानना है कि SIP से मैक्सिमम रिटर्न कैसे कमा सकते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर। इससे पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था और इसी की वजह से बहुत सारी चीजें इंडिया में महंगी हो चुकी थी। तो अभी की सिचुएशन में ये चांसेस काफी ज्यादा हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं और जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल, डीजल और इसके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं उन सारी की सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। और अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और जब कभी भी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपको किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में गया होगा कि यूक्रेन और रशिया की वजह से किस किस चीज पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी जगह पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन आपको ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, आपको कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां से अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहिए, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात होती है। देखो, जब भी किसी भी कंट्री में क्राइसिस आता है या स्टॉक मार्केट नीचे जाता है और बहुत सारी चीजों की वजह से इंपैक्ट पड़ता है तो गवर्नमेंट सबसे पहला काम करती है कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको कम करती है। लेकिन जब भी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपको बैंक की FD के साथ साथ बैंक में RD के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए गोल्ड में। देखो, जब भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी या शेयर मार्केट नीचे जाता है तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। तो जब कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अलग से पोर्शन रखना है आपको गोल्ड के लिए। आपको हर जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करना है और इसी के साथ साथ गोल्ड में भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले नोट करना है कि आपका जो पैसा है वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पर रहने वाला है और आपको उसी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करना है, क्योंकि ऐसे क्राइसिस के टाइम पर लॉसेस होने का काफी ज्यादा चांस होता है और इसी के साथ साथ बहुत कम लोग होते हैं जो इतना रिस्क ले सकते हैं। और शेयर मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करने वाले कहते हैं कि जब भी शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस नीचे जाती हैं तब परचेज करना चाहिए। लेकिन आपके पास पैसा भी होना चाहिए और इसी के साथ साथ ये भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जहां पर प्रॉफिट भी हो सकते हैं तो लॉसेस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स ऐसे हैं जो आपको 20%, 30% या 50% डिस्काउंटिंग प्राइस पर भी मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीजें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।